राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। लेकिन उन्होंने लिंचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं सर। मैं कहता हूं सार्वजनिक भाषण में, मैंने कहा स्वयं, ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक बात बिल्कुल सही है आपकी कि आज अगर संघ के नाते हम कोई बात कहते, अब ये बात मैं कह रहा हूं, तो इसकी हिंदू समाज में तो बहुत बड़ी चर्चा होगी। बहुत बड़ा वर्ग है जो इसका समर्थन करेगा, हमको कहेगा कि आपने बहुत अच्छा किया ये पहल। ऐसा भी वर्ग है जो खराब नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन वो कहेंगे कि बस आप भी भोले बन गए, आप जरूर कहेगा क्योंकि ठोकरे लगी है। वो कहेंगे कि अरे ऐसा कभी हुआ था क्या, ये ऐसे ऐसा मामला नहीं है, ये आप लोग नहीं समझते, ऐसे भी होंगे, चलेगा ये शास्त्रार्थ चलेगा। लेकिन एक बात है कि हिंदू समाज की भावना संघ बोलता है आज स्थिति है, क्योंकि नीचे तक हमारे स्वयंसेवक है, समाज क्या सोचता है क्या नहीं हमारे पास आता है, हम उसके अनुसार बताते, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। हिंदू समाज अपने परंपरा प्रकृति बुद्धि मन के अनुसार चाहता तो है, लेकिन करने की हिम्मत उसकी इसलिए नहीं होती कि ये सब बीच में है। इस बयान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख पर निशाना साधा। वहीं ओवैसी ने कहा कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे के हिंदुत्व वाली सोच का ही हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए संघ प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा उन्होंने अखलाक और आसिफ का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि लिंचिंग में शामिल मुजरिमों को सरकार सह देने का काम करती है।